तो हम लोग चालुक्य वंश देख चुके रहे थे, जिसमें से इसका एक पार्ट हम लोग बतला चुके हैं, यूट्यूब पे बतला चुके हैं। तो जो भी नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। उसके आगे का हम लोग देखते हैं। देखिए, हम बतलाए थे चालुक्य जो है ये तीन शाखा में मौजूद थे। चालुक्य वंश जो है, थोड़ा सा हम रिकॉल करवा दें, ये तीन शाखा में मौजूद थे। एक को कहा जाता था वातापी चालुक्य, वातापी चालुक्य, या इन्हीं को हम लोग क्या कहते थे, वेंगी का चाल, सॉरी, इन्हीं को हम लोग बादामी का चालुक्य कहते थे, बादामी के चालुक्य के नाम से जानते थे। दूसरा हम बताए थे जिनको कहा जाता था वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। तीसरे जो थे यह कौन थे, तो ये थे कल्याणी के चालुक्य। ये तीन, जिसमें से हम लोग बतलाए भी थे कि बादामी के चालुक्य को हम लोग मूल चालुक्य कहते थे, क्योंकि इसी से टूटकर फिर वेंगी के चालुक्य का निर्माण हुआ था। तो मूल चालुक्य कहा जाता था, या चूंकि यह पश्चिमी हिस्सा में मौजूद था तो इसको हम लोग क्या कहते थे, पश्चिमी चालुक्य के नाम से जानते थे। वेंगी के चालुक्य जो थे इनको क्या कहा जाता था, पूर्वी चालुक्य के नाम से जाना जाता था, पूर्वी चालुक्य के नाम से जाना जाता था, पूर्वी हिस्सा में था। और कल्याणी के चालुक्य को हम लोग किस नाम से जानते थे, पश्चिमी चालुक्य के नाम से जानते थे। जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में क्या बतला चुके थे, हम लोग वातापी चालुक्य या बादामी के चालुक्य के बारे में बतला दी। आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, वेंगी के चालुक्य एवं कल्याणी के चालुक्य के बारे में क्या करेंगे, चर्चा कर। काफी महत्वपूर्ण है, कम से कम शासक का तो क्रम याद ही रहना चाहिए। दक्षिण भारत से आजकल खूब प्रश्न बनाया जा रहा है। तो वेंगी के चालुक्य कहाँ थे, तो हम बताए थे, देखिए अगर समझते हैं कि ये हमारा दक्षिण भारत है तो यहां पर क्या है, केरल है आपका, इधर क्या है तमिलनाडु, और यहां से क्या है आंध्र प्रदेश, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या होता है, कर्नाटक वाला हिस्सा होता है। तो आपको वेंगी के चालुक्य मूल रूप से कहाँ थे, ये आपको आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, रीजन में मौजूद थे, या पूर्वी हिस्सा में, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में क्या होते थे, मौजूद होते थे, क्योंकि कर्नाटक का पूर्वी हिस्सा हम बताए थे। तो यह वेंगी के चालुक्य कहाँ थे, इनका क्षेत्र अगर बात करें तो ये क्षेत्र इनका क्या रहा, आंध्र प्रदेश रहा, ठीक है। इसके जो संस्थापक की बात करें, अगर हम फाउंडर की बात करें, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो विष्णुवर्धन। इसके संस्थापक कौन रहे, तो विष्णुवर्धन संस्थापक रहे। याद कीजिए कि हम कहानी आपको बतलाए थे कि पुलकेशी द्वितीय जब शासक बना तो ये सोचा कि हम अपने क्षेत्र का क्या करें, विस्तार करें। तो ये कौन कौन सी राजधानी बनाया, एक तो वातापी या बादामी को अपनी राजधानी घोषित किया, दूसरा यह वेंगी को अपनी क्या किया, राजधानी घोषित किया। तो चूंकि एक व्यक्ति दोनों जगह शासन नहीं कर सकता था, वातापी पे और वेंगी पे, तो यह अपने भाई विष्णुवर्धन को कहां भेज दिया, वेंगी में भेज दिया शासन करने के लिए। लेकिन विष्णुवर्धन क्या किया, अपने ही भाई पुलकेशिन द्वितीय को धोखा दे दिया, यह वेंगी में पहुंचकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यह घोषणा किया कि हमको बादामी के चालुक्य से कोई लेना देना
नहीं है। और इस प्रकार से वेंगी के चालुक्य का क्या हुआ, स्थापना हुआ। तो पूछ देगा वेंगी के चालुक्य किस क्षेत्र में थे, तो आंध्र प्रदेश में थे। जिस प्रकार से बादामी के चालुक्य जो थे वह कर्नाटक में थे, वेंगी के चालुक्य किस क्षेत्र में थे, आंध्र प्रदेश में। चूंकि कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र में है इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, पूर्वी चालुक्य। कर्नाटक के पूर्वी हिस्सा में है इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जानते हैं। तो इस वेंगी के चालुक्य से इतना हम लोग को क्या रखना, याद रखना। अभी हम राजाओं का परिचय बतला रहे हैं, राजाओं का क्रम बतला रहे हैं कि कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से शासक आए। बाद में फिर यहाँ का प्रशासन व्यवस्था देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे, यहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा था, यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये फिर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग को क्रम जानना क्या है, जरूरी है, क्योंकि राजा से ही ज्यादा क्वेश्चन क्या करता है, पूछ देता है। अब आते हैं कल्याणी के चालुक्य। अब आते हैं कल्याणी के चालुक्य। देखिए कल्याणी के चालुक्य को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी चालुक्य कहते हैं। जैसे बादामी के चालुक्य को हम लोग पश्चिमी चालुक्य कहते थे, इसको भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी चालुक्य के नाम से जानते हैं। और कल्याणी के चालुक्य क से कल्याणी याद रखिएगा और क से केरल याद रखिएगा। जिस प्रकार से वेंगी के चालुक्य का क्षेत्र आंध्र प्रदेश था, कल्याणी के चालुक्य का क्षेत्र कहाँ था, केरल था। तो इनका शासन मूल रूप से कहाँ रहा है, यह केरल रहा। और कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे, तो तैलक द्वितीय। इसके फाउंडर की बात करें, इसके फाउंडर कौन थे, तैलप द्वितीय इसके क्या थे, संस्थापक थे, फाउंडर थे, ठीक है। अब तैलप द्वितीय क्या किए हैं, राष्ट्रकूट का अंतिम शासक था, राष्ट्रकूट वंश का, जो हम पढ़ाएंगे राष्ट्रकूट वंश, उसका अंतिम शासक था कर्क द्वितीय। तो उसको हरा कर यह क्या किया, गद्दी पर बैठा। और राष्ट्रकूट का जो राजधानी होता था वो था मान्या क्षेत्र, जो मालखेड भी कहते हैं, जो कहां पर है, कर्नाटक में। तो यह भी अपनी राजधानी किसको बना लिया, मान्या क्षेत्र को बना लिया। ये कल्याणी जो है ना, ये बाद में राजधानी बनेगा, आरंभिक दौर में इसकी राजधानी क्या रहेगी, मान्या क्षेत्र ही रहेगी। तो हम क्या कहेंगे कि कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक तैलप द्वितीय था, जो क्या किया है, राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित करके गद्दी पर बैठा। तो यह भी लिख लेते हैं कि तैलप द्वितीय राष्ट्रकूट के अंतिम शासक, राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित करके, कर्क द्वितीय को पराजित करके गद्दी पर बैठ, गद्दी पर बैठ। तो यह भी पूछ देगा ये किसको पराजित करके गद्दी पर बैठा है, तो कर्क द्वितीय को पराजित करके आपको गद्दी पर बैठा, ठीक। इसकी आरंभिक राजधानी कहां थी, इनिशियल कैपिटल की बात करें, अगर आरंभिक राजधानी की बात करें तो आरंभिक राजधानी इसका क्या था, मान्या क्षेत्र था, जो कहां पर था, कर्नाटक में था। और यह भी यहां पर याद रखेंगे कि मान्या क्षेत्र जो है यह राष्ट्रकूट वंश का भी, राष्ट्रकूट वंश का भी राजधानी थी, यानी कि उसी के राजधानी को यह अपनी राजधानी बना लिया। नोट कीजिए इसको, कल्याणी का चालुक्य बाद में आएगा, ठीक है। एक एक चीज को तोड़ के पढ़ा देंगे, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, और उसको नोट करते चलिए।
अब हम लोग आगे आते हैं और इसका जो कार्यकाल देखे, अगर हम टेन्योर देखे, शासन काल देखे, अगर हम इसका शासन काल देखे तो तैलब द्वितीय का शासन काल 993 ईस्वी से 997 ईस्वी था। इसी के आसपास देखिएगा गजनवी जो है भारत में आता है, महमूद गजनवी जो है देखिएगा 998 से आपको भारत आना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो 997 तक जो है इसका शासन काल रहा और यह एक उपाधि धारण किया, यह एक उपाधि धारण किया, इस उपाधि का नाम था अश्वभाल। इस उपाधि का नाम क्या था, अश्वभाल। तो यह भी याद रखेंगे। तो हम क्या देखे कि कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक कौन है, तैलप द्वितीय है। तैलप द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित करके गद्दी पर बैठा। आरंभिक दौर में यह अपनी राजधानी क्या बनाया, मान्या क्षेत्र बनाया, ठीक है, जो कि राष्ट्रकूट वंश की भी राजधानी रही है। यह एक उपाधि धारण किया जिसका नाम था अश्व भाल था। इसका शासन काल 993 से 997 रहा। तो आप देखिए हम लोग कल्याणी के चालुक्य में पहला शासक देखिए यह क्या था, तैलप द्वितीय था, जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा कि यह तो भाई फाउंडर ही, संस्थापक ही है। इसके बाद जो आता है इसका कार्यकाल रहा है 993 से 997 ईस्वी। तैलप द्वितीय के बाद कौन आया, सत्याश्रय आया। इसके बाद जो शासक आया ये सत्याश्रय आया है। इसका कार्यकाल 997 से 1006 एडी रहा। और हम बताए थे 998 से गजनवी भारत आ गया था। तो एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस चालुक्य शासक के काल में महमूद गजनवी जो है भारत आया था, तो क्या नाम याद रखेंगे, सत्याश्रय। और आप दिल से पूछ के देखिए कि यदि प्रश्न आपको यह बीपीएससी आरआरबी एनटीपीसी या दारोगा में देगा तो बनेगा। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग मौर्य काल तक खुद को सीमित कर लेते हैं, गुप्त काल तक सीमित कर लेते हैं, दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते ही नहीं है। और इसका ही फायदा हम लोग से कहां पर उठाया जाता है, एग्जाम में उठाया जाता है। तो उन सभी टॉपिक को पढ़ जाना है जहां से क्वेश्चन बनता है। तो सत्याश्रय से याद रखेंगे कि इसी के काल में महमूद गजनवी भारत आया, इसी के काल में महमूद गजनवी भारत आए। ये सब हम लोग क्या रखेंगे, याद रहे। ऐसे भी याद रख सकता है आश्रय, आश्रय मतलब सहारा देना, बुलाना, मतलब तो भाई घर कौन दिया, आश्रय कौन दिया, यानी कि किसके काल में महमूद गजनवी आए। तो सत्याश्रय के काल में महमूद गजनवी जो है यह भारत आया। अब सत्याश्रय के बाद जो शासक हुआ उसका नाम है सोमेश्वर प्रथम। सत्याश्रय के बाद आप लोग नीचे अपना लिखते चलिएगा, सत्याश्रय के बाद जो भारत आया है शासक, इसका नाम है सोमेश्वर प्रथम। और हम बताए थे कि कल्याणी के चालुक्य का आरंभिक राजधानी क्या था, मान्याखेत, लेकिन बाद में जो प्रमुख राजधानी बना वह कौन बना, कल्याणी बना, ठीक है। इसलिए देखिएगा इसको कल्याणी के चालुक्य भी कहते हैं। तो सोमेश्वर प्रथम ही जो है इसी को श्रेय जाता है कि इसने कल्याणी को राजधानी बनाया, इसने कल्याणी को राजधानी बनाया। तो ये पूछ देगा कौन सा चालुक्य शासक था जो कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया है। तो याद रखिएगा सोमेश्वर प्रथम जो है यह कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया है। इसके बाद जो शासक आता है इसका नाम है विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय। अब इससे काफी महत्वपूर्ण पूछता है आर्ट एंड कल्चर में भी,
और वैसे भी क्वेश्चन पूछता है कि विक्रमादित्य द्वितीय ही कि कौन से मंदिर का निर्माण करवाए हैं, विरूपाक्ष मंदिर, पूछता भी कि विरूपाक्ष मंदिर या इसी मंदिर को हम पंपा मंदिर कहते हैं, अगर फंसाने का प्रयास करें इसी मंदिर को हम क्या कहते हैं, पंपा मंदिर के नाम से जानते हैं। तो कई दफा पूछा है क्वेश्चन कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और यह विरूपाक्ष मंदिर है कहाँ पर, तो यह विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, और हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में है। और ये किस भगवान का मंदिर है, तो यह शिव जी का मंदिर, तो ये भी याद रखेंगे। तो पूछ देगा विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो हम्पी कर्नाटक में है। किस भगवान का मंदिर है, तो यह शिव जी का क्या है, मंदिर। ठीक है, तो एक बार हम सबको क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं बाबू जो समझाए हैं, हम यहां से कल्याणी के चालुक्य से एक बार रिपीट कर दे। हम बताएं कि कल्याणी के चालुक्य को पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मूल क्षेत्र रहा वह क्या रहा है, केरल रहा है, ठीक है। इसका जो संस्थापक था, संस्थापक कौन हुआ, तैलप द्वितीय हुआ, जो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित करके क्या बैठा, गद्दी पर बैठा। इसका जो कार्यकाल रहा वो 993 से कितना रहा, 997 एडी रहा। और चूंकि राष्ट्रकूट की राजधानी आपको मान्या क्षेत्र थी, तो तैलप द्वितीय जब कर्क द्वितीय को पराजित किया, तो यह अपनी राजधानी किसको रहने दिया, मान्या क्षेत्र को रहने दिया, जो कि कहां है, कर्नाटक में। बताएं कि जो तैलप द्वितीय जो है वह एक उपाधि धारण किया, उस उपाधि को हम लोग क्या कहते हैं, अश्वभाल की उपाधि कहते हैं। तो तैलप द्वितीय का क्या योगदान रहा, फाउंडर ऑफ कल्याणी के चालुक्य, या चालुक्य ऑफ कल्याणी, जिनका कार्यकाल 993 से 997 रहा। तैलप द्वितीय के बाद कौन आए, सत्याश्रय आए, जिनका कार्यकाल 997 से 1006 ईस्वी था। और इसी के काल में महमूद गजनवी जो है वह भारत आया था। और इसके बाद कौन आया, सोमेश्वर प्रथम आया, जो अपनी राजधानी को बदल कर कहां कर दिया, कल्याणी कर दिया। तो जो कल्याणी के चालुक्य है उसमें कल्याणी किस चीज को इंगित करता है, राजधानी को। और इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी आया वह विक्रमादित्य द्वितीय है, जिसको विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, या विरूपाक्ष मंदिर को हम लोग पंपा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम्पी कर्नाटक में क्या है, अवस्थित है। और यह शिव जी का क्या है, मंदिर है। तो उम्मीद करते हैं चालुक्य वंश के जो भी शासक हैं उनका एक क्रम आपको पता चल गया होगा। तो आप लोग एक जगह सबको नोट्स बना लीजिएगा, लास्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में देखे हैं, वेंगी, सॉरी बादामी के चालुक्य के बारे में, तो उसका नोट्स बना लीजिएगा वेंगी, और फिर यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य का भी नोट्स बना लीजिए। कल हम लोग इनका क्या देखेंगे, प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, जोर डालेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। पढ़ाई अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर बताएं।